Now, today we are going to start lesson 4, Vidyayah Buddhi Uttama. See the words. Parangata means Nipur, Yakushla. Antikam means pass me. Arjayam means kamate hain. Mula means mook. Balyakala means bachpan se. Asthini, haddiyan. Mritasya matlab mare hue ka. Sayojitvan means jod diya. चर्म मास मृगम मतलब चमड़ी मांस और खून। ये एक स्टोरी है, इसमें चार ब्राह्मण पुत्र रहते हैं और वह विद्या प्राप्त करने के बाद धन कमाने के लिए दूसरे देश जाना चाहते हैं। उनमें से तीन विद्या में पारंगत होते हैं, लेकिन एक बुद्धिहीन तो नहीं है, लेकिन वह शास्त्र से विमुख होता है और जो विद्या प्राप्त किए हुए हैं वह बुद्धिहीन होते हैं। विद्या में तो पारंगत है लेकिन बुद्धि में हीन। चारों जन धन अर्जित करने के लिए दूसरे देश जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ सिंह मिलता है। वह तीन जो विद्या प्राप्त किए हुए थे वह सोचते हैं, आपस में बात करते हैं कि क्यों ना हम अपनी विद्या का इस पर प्रयोग करते हैं और उसे जीवित कर लेते हैं। तीनों आपस में उसकी हड्डियाँ मांस रुधिर सब इकट्ठा करते हैं, उसे जीवित करने का प्रयास करते हैं। किंतु जो चौथा मित्र रहता है, जो विद्या प्राप्त नहीं किया हुआ होता है, इसका नाम सुबुद्धि रहता है, वह उन्हें मना करता है कि यह सिंह जीवित होकर तुम्हें ही मार देगा। किंतु उसे मूर्ख कहकर वह तीनों अपने काम में लग जाते हैं। सुबुद्धि यह कहकर कि तुम लोग अपना काम करो, मैं तो वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ, वह वृक्ष पर चढ़ जाता है। तीनों उस सिंह को अपनी विद्या के द्वारा जीवित करते हैं और वही होता है जो सुबुद्धि ने कहा था कि वह सिंह जीवित होकर उन तीनों को खा जाता है। और सुबुद्धि वृक्ष पर चढ़कर उन्हें देखता है और सिंह के जाने के बाद वह अपने घर लौट जाता है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि विद्या से बुद्धि उत्तम होती है, बुद्धि श्रेष्ठ होती है। आगे देखिए, आप इस चैप्टर में पूर्व रूप संधि के विषय में बताया गया है, उनको जोड़कर कैसे शब्द बनाए जाते हैं ये भी देख लीजिए। पूर्व रूप संधि ये स्वर संधि का छठवां प्रकार है, जिसमें कि शब्द के पहले भाग में ए या ओ हो और दूसरे तरफ आ आए तो उसका ए या ओ हो जाता है, और जहाँ पर ये आ आता है शब्द को जोड़ते समय पर एस के आकार का हो जाता है। इस एस के आकार के आ को हम अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। जैसे रामे ए आया, देन आ जब है अब भी आ गया है, फर्स्ट वर्ड आ है इसका। इस तरीके से ए और आ मिलके ओ बन जाएगा और जो आ आएगा वह एस के आकार का हो जाएगा। इस तरीके से रामे प्लस अपी रामो अपी। वैसे ही बालका प्लस अवदक बालको अवदक, इसका नियम है एक तरफ यदि आ आए दूसरी तरफ आ आए तो उसका ओ हो जाता है। जैसे सह प्लस अत हो जाएगा सो अत, यह विसर्ग ओ में बदल जाएगा। ये देखिए एस को अवग्रह चिन्ह कहते हैं। लेसन 4, विद्याया बुद्धि उत्तमः, मतलब कि विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। इस चैप्टर में पूर्व रूप संधि के विषय में बताया गया है कि पदांत मीन्स पद के अंत में या शब्द के अंत में यदि ओ के बाद आ आता है तो वह पूर्व रूप के अनुसार आ एस के आकार का हो जाएगा और ए अथवा ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे रामे प्लस अपी रामे अपी, वैसे ही शब्द के अंत में यदि अह आए तो अह को ओ मानकर पूर्व संधि होती है और ओ को अह का विच्छेद करके, जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया कि जैसे सो अत्र है तो सह प्लस अत्र, यह विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो जाएगा और हो जाएगा सो अत्र। आगे स्टोरी देखते हैं हम। कस्मिश्चित नगरे चत्वारः ब्राह्मण पुत्रः आसन। किसी नगर में चार ब्राह्मण पुत्र थे। ते सर्वे अपि परस्परम मित्र भावेन आवसन। वे सभी मित्रता के भाव से आपस में रहते थे। तेषु त्रयः शास्त्रेषु पारंगतः परंतु बुद्धिहीनः आसन। परंतु उनमें से तीन शास्त्रों में पारंगत और बुद्धिहीन थे।
एकश्च तेषु शास्त्र परांग मुख परम विवेकशील आसीत। उनमें से एक शास्त्रों से विमुख परंतु विवेकशील था। तस्य नाम सुबुद्धि आसीत। उसका नाम सुबुद्धि था। सह सर्वाणि कार्याणि विचिन्त्य करोति स्म। वह सभी कार्य सोच विचार कर करता था। एकदा ते चत्वारी मित्राणि आचिन्तयन्। एक बार उन चारों मित्रों ने सोचा, भो वयम् द्वादश वर्षाणि यावत् गुरो अंतिकम् विद्याम् आपठाम। अरे हम सब ने 12 वर्षों तक गुरु के पास विद्या पढ़ी है, यानी प्राप्त की है। अधुना देशांतरम गत्वा धनम अर्जयाम। अब दूसरे देश जाकर धन कमाते हैं। इदम् निश्चयम् कृत्वा ते स्वस्व पित्रोः आज्ञार्थम् गृहम् आगच्छन्। ऐसा निश्चय करके वे अपने अपने माता पिता से आज्ञा लेने के लिए घर जाते हैं। आज्ञां गृहीत्वा अन्यस्मिन् दिने ते चत्वारो अपि ब्राह्मण पुत्रः धनम् अर्जितुम् पूर्वदेशं प्रति प्रस्थानम् आकुर्वन्। आज्ञा लेकर दूसरे ही दिन वे चारों ब्राह्मण पुत्र भी धन कमाने के लिए दूसरे देश जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। यदा ते किंचिन मार्गम आचलन तदा तेषां ज्येष्ठतरो अवदत्। जब वे कुछ दूर तक चले तब उनमें से सबसे बड़े ज्येष्ठ, मतलब सबसे जो बड़ा था, उसने कहा, अहो अस्माकम् एकश चतुर्थ मूढ़ा केवलम् बुद्धिमानः। हम में से केवल एक ही मूर्ख है, बाकी सब बुद्धिमान हैं। परम विद्याम बिना केवलम् बुद्धिया धनम प्राप्तुम् न शक्यते। परंतु विद्या के बिना केवल बुद्धि से धन प्राप्त नहीं कर सकते। अहम् अस्मै स्वोपार्जितम् धनम् न दास्यामि। मैं अपने धन, अपने द्वारा अर्जित किए गए धन में से इसे कुछ भी नहीं दूंगा। तदा द्वितीयो अपि आकथ्यत। तब दूसरे ने भी कहा, भो सुबुद्धि गच्छ त्वं स्वगृहम्। सुबुद्धि तुम अपने घर लौट जाओ। यतः ते विद्या नास्ति, क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है। तदा दयालु तृतीयो अवदत। तब तीसरे मित्र ने, जो थोड़ा दयालु था, उसने कहा, एतत् नो उचितम्, यह उचित नहीं है। यतः वयम् बाल्यकालात् एव एकत्र अक्रीणाम्, क्योंकि हम सब बचपन से ही एक साथ खेले हैं। अतः अयम् अपि अस्माभिः उपार्जितस्य धनस्य संभागी भविष्यति। अतः यह भी हमारे द्वारा अर्जित किए गए धन का बराबर का भागीदार होगा। मार्गे एकस्मिन् वने ते एकस्य मृतस्य सिंहस्य अस्थीनि आपश्यन्। मार्ग में एक वन में उन्होंने एक मरे हुए सिंह की अस्थियां, मीन्स हड्डियां, देखीं। तेषु एको आभषत। उनमें से एक ने कहा, अहो अद्य विद्याम परीक्षामहे। अरे यह हमारी परीक्षा का समय है, हमारी विद्या की परीक्षा का समय है। वयम् एतम सिंहम जीवितम कुर्मा, हमें इस सिंह को जीवित करना चाहिए। प्रथमः अस्थि संचयम आकरोत्। पहले ने उसकी अस्थियां, मीन्स हड्डियों का संचय किया, मीन्स इकट्ठा किया। द्वितीय चर्म मांस रुधिरम संयोजितवान, दूसरे ने उसकी चमड़ी मांस और खून को इकट्ठा किया या जोड़ा। यदा तृतीय जीवनस्य संचाराय उद्यतो अभवत्, जब तीसरा उसमें जीवन का संचार करने के लिए तैयार हुआ या उद्यत हुआ, तदा चतुर्था सुबुद्धि अवदत। तब चौथे सुबुद्धि ने कहा,
हो अरे तिष्ठतु भवान आप रुको अयम सिंहः जीवितः भूत्वा अस्मान् सर्वान् मारिष्यति यह सिंह जीवित होकर हम सबको मार देगा। तृतीयो अवदत् धिक् मूर्ख तीसरे ने कहा अरे मूर्ख तथा सुबुद्धि प्रत्यवदत् तब सुबुद्धि ने उत्तर दिया तरही क्षणम प्रतीक्ष यावत् अहम वृक्षम आरोहयामि तुम सब उस क्षण की प्रतीक्षा करो तब तक मैं वृक्ष पर चक्रते जीवनम प्राप्य सह सिंह त्रीन अपि ब्राह्मण पुत्रान आमारयत् उसी प्रकार जीवन को प्राप्त करके उस सिंह ने तीनों ही ब्राह्मण पुत्रों को मार दिया। सुबुद्धि च वृक्षात् अवतीर्य स्वगृहं प्रत्यागच्छत् और सुबुद्धि वृक्ष से उतर कर अपने घर लौट गया। अतः उच्यते अतः कहा गया है वरम बुद्धि नासा विद्या अर्थात बुद्धि श्रेष्ठ होती है ना कि विद्या। विद्यायाः बुद्धि उत्तमः विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। बुद्धिहीनः विनश्यन्ति बुद्धिहीन का नाश हो जाता है यथा ते सिंह कारकः जिस प्रकार उन सिंह को जीवित करने वालों का हुआ था। इसके बाद आपको मैं इसका अनुवाद भेजूंगी जैसे आपके नोट्स में लिखा होगा एज़ यूजुअल ही आपको लिखना है और बुक की एक्सरसाइज बुक में ही फिल करना है।